अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दुबई मॉल के अंदर था, मैंने पूरा ब्लॉग बनाया पूरा, लेकिन मॉल सिक्योरिटी ने आके मेरे को पकड़ लिया भाई। बोला वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने उनको बोला यूट्यूब पर ब्लॉग डालूँगा, आई एम ए यूट्यूबर। तो उन्होंने मेरा चैनल वैनल देखा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे को पकड़ के नहीं चले गए, और उसमें क्या नाम आपका ऑफिस मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफिस में। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि आपको ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। मॉल मैनेजर आएंगे शाम को, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और तब जाके हम अलाउ करेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, शाम तक कौन इंतज़ार करे। तो उन्होंने बोला फिर ठीक है, इसको डिलीट मार दो जितनी वीडियो आपके पास है। तो वो सब वीडियो मेरे से डिलीट करवा दी। बड़े बेकार आदमी है भाई, गाली निकल रही है मुँह से लेकिन दे नहीं सकते ना भाई, क्या करें, गुस्सा आ रहा बहुत ज़्यादा, सारी मेहनत ख़राब कर दी। तो अभी मैं आ गया बुर्ज खलीफा के जस्ट नीचे। वो है खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई, क्या कहने इस नज़ारे के यार। ये सामने दुबई मॉल है जिन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करा दी। वीडियो को एंजॉय करना अब बुर्ज। तो ये देखो दोस्तों, बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी है कि कैमरे में भी एक बारी मैं आ नहीं रही भाई, वो पर्द लग लेके जाना पड़ेगा। ये आसमान को छू तो ही मारते। चलते हैं आगे की तरफ, अब मैं दिखाता हूँ आपको बुर्ज खलीफा नीचे से एंट्री गेट और आसपास के नज़ारे। क्या ही नज़ारे आ रहे हैं आगे, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत प्यारी जगह है। मुझे आना था शाम को, लेकिन मैं दोपहर में इसलिए आ गया कि शाम को इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना इस वक्त, यहाँ पर तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसलिए मेरे को ये टाइम अच्छा लगा कि दोपहर में चलते हैं, वीडियो शूट करते हैं, ख़त्म। शाम को बहुत पब्लिक हो जाएगी, फिर वही मारा मारी कि मेरी वीडियो ले ली, डिलीट करो, ये करो, वो करो। यहाँ पर ये भी लफड़े हैं थोड़े से, प्लीज़ लाइक माई फ्रेंड, हाई प्लीज़ लाइक माई फ्रेंड इन द चैनल मोटा भाई व्लॉग्स, मोटा भाई व्लॉग्स, थैंक यू, बाय। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और मैं दिखाता हूँ आपको बुर्ज खलीफा के आसपास और क्या क्या है, और कितने की इसकी एंट्री होने वाली है भाई। मेरे को किसी ने बताया था कि इसके लगते हैं 5,000 एंट्री के लगते हैं। अब वही चीज़ मैं चेक करूँगा कि फैक्ट है या गलत है, एंट्री है भी या नहीं है, फ्री है, लगता तो नहीं कि फ्री होगी। बाकी बहुत ही प्यारी जगह यार, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ के आसपास जो घर और रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं ना, वो भी गजब के भाई, एक नंबर।
जगह है। भाई आगे से निकल लूंगा यहाँ रास्ता है। जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ ये शायद रिजॉर्ट है, इनके बीच में से नाव खड़ी है यहाँ पे और समंदर का पानी नीला घर से एकदम वो सब का इंतज़ाम करा हुआ है भाई, जगह है भाई, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी यार। और ये जो रिजॉर्ट बने पड़े हैं ना माइंड ब्लोइंग, मैंने इतना खूबसूरत रिजॉर्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा भाई। और ये जो रास्ता है ना ये आम रास्ता है भाई, मेरे को लगा कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है मैं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं है, जो आम रास्ता है ये देखो भाई पीछे वाटरफॉल और ये रिजॉर्ट है भाई, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है। ये इनका रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट मेरे को बाहर जाना है, यहाँ से जा सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शूट करते करते मैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गया भाई, एक रिजॉर्ट के अंदर घुस गया। सेम वही ये लोग भी मेरे पीछे लग गए कि वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इससे अच्छा ये भी वीडियो मेरे डिलीट कराए, बाहर की तरफ निकल लेता हूँ और बुर्ज खलीफा का जो है मैं चलता हूँ वहाँ पे। और मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि इसकी भी एंट्री लगेगी, एंट्री है इसकी। बाकी जो रिजॉर्ट है बहुत खूबसूरत है यार, मैंने अपनी लाइफ में इतना खूबसूरत रिजॉर्ट नहीं देखा यार। लुक एट द व्यू गाइस, ये एंट्री गेट है, कचा भैया। और ये भाई मैं आ गया मेन रोड के पास। दोस्तों बुर्ज खलीफा आपने देखी, इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।